सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हिली मदर स्टडी। तो एक और मिनी ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत है। तो कल का ब्लॉग मैं डालना भूल गई थी क्योंकि बाद में मैं अपडेट नहीं कर पाई थी, बट अभी मैं अपलोड कर दूँगी उसे, और आज का जो ब्लॉग होगा वो इवनिंग में आ जाएगा। तो आज की कहानी ये है, आज फिर से योशु को लेके मैं स्कूल गई तो पोपट हो गया मेरा, और मैंने कर दिया योशु का पोपट। क्यों? क्योंकि आज थी हाउस स्ट्रेस और मैं ना भूल गई, पता नहीं दिमाग में बिल्कुल बात आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों इतनी लापरवाही करने लगी हूँ मैं योशु के लिए स्कूल में। आज उसको हाउस ड्रेस पहना के भेजना था, बट आज मैंने फिर ग्रे ड्रेस पहनाई है। वैसे एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि मौसम ऐसा ही है, बारिश का मौसम है, वाइट ड्रेस गंदी हो जाएगी, बट फिर भी स्कूल का जो स्केड्यूल होता है उसको तो फॉलो करना पड़ता है ना, और जो भी रूल्स होते हैं। तो आज योशु ऐसे चली गई, और आधे रास्ते में जब मैंने दूसरे बच्चों को देखा ना तो काफ़ी मेरे को अजीब सा लगा कि यार योशु को तो मैंने ग्रे ड्रेस पहना दी, हाउस ड्रेस नहीं पहनाई। लेकिन योशु ने मुझे बोला गंदी मम्मी, ऐसे भी उसने मुझे बोला क्योंकि वो गुस्सा हो रही थी मुझसे कि मम्मी आपने मुझे हाउस ड्रेस नहीं पहनाई। तो आज अभी मैं जाऊंगी योशु को लेने, अभी 11 बजे है और इतनी भयंकर बारिश आ रही है ना, देखो बारिश से क्या हाल हो गया है। और अभी ना मैंने सुबह बहुत सारे कपड़े धो दिए थे, सारे कपड़े धो के मैंने डाल दिए थे छत में, और अच्छा हुआ कि मैं बहुत जल्दी सारे कपड़े लेके नीचे आ गई क्योंकि इतनी भयंकर बारिश हो रही, और मैंने फटाफट सारे कपड़े नीचे लगा दिए। आ रही हूँ आपको यहाँ से, देखो ये पूरी लाइन है कपड़ों की, ये पूरी लाइन है कपड़ों की, और वो पूरी लाइन है कपड़ों की। तो बड़ी मुश्किल से कपड़े डाले हैं, और बारिश के मौसम में जो मेरा मनी प्लांट भी कुछ इस तरह से सूख गया है, बच्चों ने खींच खींच के सुखा दिया है। कुछ पौधे अभी और डाले मैंने यहाँ पे इस तरह से हैं, सारे जो मनी प्लांट है नीचे को आ गया, सारे जो मनी प्लांट है ना ये नीचे को आ गए हमारे, और शिव जी का खुद ही अभिषेक हो रहा है। अभी मैंने ऑनलाइन मंगाया है शिव जी के जो शिवलिंग है उसके लिए कलश जो होता है, ऑटोमेटिक कलश, मतलब कलश है ऊपर से नीचे से उसमें आसन है, मतलब प्लेट है, इस तरह से मैंने कुछ मंगाया है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ जल्द से जल्द वो आए और मैं अपने उसमें उसके स्थापना करूँ, उसे लगाऊँ। और सावन के महीना, इस बार तो सावन का महीना भी पूरे 2 महीने का है, सावन के महीने में बहुत अच्छे से हम लोग शिव जी की पूजा करेंगे। और आपको मैं दिखाती हूँ हमारी श्री क्या कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, श्री मैडम, श्री आजकल श्री का केयर भी नहीं हो पा रही, मुझसे मैं कर भी नहीं रही हूँ, टाइम भी नहीं मिल रहा है। आज मम्मी तो गई है हॉस्पिटल, मम्मी पापा योशु के पापा, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा टाइम मिल रखा है। तो ये देखो श्री का दिखाती हूँ। हेलो श्री, हेलो हेलो, बहुत जल्दी रिप्लाई करती है। सो फ्रेंड्स, श्री हो गई है रेडी, अभी हम स्कूल जाएंगे और दीदी को लेके आएंगे। श्री की मैं सोच रही थी, ये देखो रो इसलिए रही क्योंकि मैं इसको ये खाने नहीं दे रही हूँ, खा ले ये देखो कितने खुश है। श्री की नजर आ रही थी छोटी, बट आगे से श्री हो रही थी पूरी। सो हेलो फ्रेंड्स, दोबारा आ गए हम, और मैंने कर दिया श्री को रेडी, मैं भी हो गई हूँ रेडी, हम जा रहे हैं योशु को स्कूल लेने के लिए। और आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है, पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे मैं और श्री, शायद हमें रिक्शा करना पड़ेगा। चुक 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 चुक। तो श्री की नई हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी? आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे बाल इसके यहाँ क्यों छोड़े हुए, अगर इनको ऊपर कर लूँ ना ये पूरी चाइनीज़ लग रही है और कुछ भी नहीं है इसके, ये देखो, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और बस इसके बीच में एक टेम्पल बना दिया, देखो बीच में एक नारियल का पेड़ लगा दिया। तो आपको श्री का न्यू लुक कैसा लगा आप बताना आपको, ठीक है? बात करो, चलो। हेलो गाइस, मैं कैसे लग रही हूँ? मैं हूँ, आज आपको मेरा लुक कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। और मैं जा रही हूँ दीदी को लेने स्कूल, और जल्दी जल्दी जाऊंगी, बारिश में छाता लेके जाऊंगी, ठीक है? अभी तक श्री ने दादा 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 बोलना शुरू कर दिया है, बोलो दादा 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 बोलना शुरू कर दिया श्री ने, और शुरू कर दिया। योशु के पापा योशु के लिए स्केट्स लेके आए थे, और ट्यूशन में प्रिंस ने देखे, प्रिंस को स्केट्स बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मैम प्लीज़ मुझे एक बार चेक करने दो, मतलब मुझे ट्राई करने दो, तो मैंने उसे दिया, और देखो कैसे मस्ती करके ये कर रहा है, और ये गिरने वाला था।
और साथ में ऐसे कुनाल पकड़ के देखो देखो देखो, अरे गिर गया गिर गया गिर गया। बस ऐसे ही इन लोगों ने ना मस्ती की थी। अच्छा इसी तरह हल्क ने भी ट्राई किया। इसका नाम हमने हल्क रखा है, देखो इसकी बॉडी, और फिर भी हमने इसका नाम हल्क रखा है टी शर्ट में। तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बाय।